और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जिस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ये बड़ी खबर नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस की है, जिसकी चार बोगियां पटरी से उतर गई हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चार बोगियां पटरी से उतरी हैं नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस की, जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, घटना का शिकार हुई है। चार बोगियां पटरी से उतरी, सुबह 6:40 पर यह हादसा हुआ। 6:40 पर इस ट्रेन में, ये देखिए किस तरह से जो आसपास के लोग हैं वो आ गए हैं छाता लेकर, चूंकि बारिश वहां पर हो रही है। और ये वही बोगियां हैं जो पटरी से उतरी हैं। ये देखिए ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, आगे का कुछ ढंग से नजर नहीं आ रहा। और लोगों को ये देखिए हर तरफ जहां नजर जा रही है नीचे जमीन पर, वहां पानी ही पानी है। और ये देखिए ये जो ट्रेन का निचला हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है। ये नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस, जिसकी चार बोगियां पटरी से उतरी, कल्याण के पास दरअसल यह हादसा हुआ है। 6:40 पर जब लोग सो रहे थे ट्रेन के अंदर, कि अचानक ये बोगियां पटरी से उतर गई और जो ऊपरी बर्थ पर लोग सो रहे थे वो नीचे गिर गए, उनको चोटें आई हैं। अब लोगों को बाहर निकालने का काम चल रहा है। सुबह सुबह यह हादसा हुआ है, हादसे में कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है। और चार डिब्बे पटरी से उतरे नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस की, आसनगांव और वासन रेलवे स्टेशन के बीच में यह हादसा हुआ है। और नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस पटरी से उतरी, कल्याण के पास यह हादसा हुआ। कुल चार बोगियां थी जो पटरी से उतरी, सुबह का वक्त था, लोग सो रहे थे। और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अभी भी एबीपी न्यूज संवाददाता सरिता कौशिक से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि यहां पर बारिश हो रही है। ये देखिए किस तरह से ये जो पूरा इलाका है और ये जो पटरी से उतरी हुई बोगियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास नीचे अगर आप देखेंगे जमीन पर तो पानी है, मिट्टी पूरी तरह से गीली दिखाई दे रही है। ट्रैक पर सरिता बता रही थी कि पानी है, ट्रैक आगे का नजर नहीं आ रहा है। और ये वो लोग जो इस ट्रेन से सफर कर रहे थे। सरिता कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरिता, ये शुरुआत में जो तस्वीर सामने आ रही है वो हम देख रहे हैं कि क्या अभी भी वहां पर बारिश हो रही है, कुछ लोग हमें वहां पर दिखाई दे रहे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या है पूरी जानकारी? जो पता चल रहा है वहां पर लोगों से फोन पर जो बात हो रही है उसके मुताबिक अभी भी वहां पर बारिश चल रही है। जब ये हादसा हुआ, ये हादसा कुछ करीब 6:40 को हुआ, तब ज्यादातर लोग ये अपने बर्थ पर सोए हुए थे। जबरदस्त बारिश बाहर हो रही थी और एक जोर का झटका लगा, उसमें जो सामने के 3 से 4 डिब्बे थे वो डीरेल हो गए। अहम बात ये है कि ये डिब्बे भले ही पटरी पर से नीचे आ गए हो लेकिन ये ओवरटर्न नहीं हुए हैं, ये पलटे नहीं है। और ऐसे में ये जो झटके से ट्रैक से नीचे ट्रेन उतरी है, सामने के 3-4 डिब्बे, उसकी वजह से ऊपर के बर्थ पर सोए हुए लोग ये नीचे गिर गए। कई लोगों को छोटी छोटी जख्में यहाँ पर हुई है, लेकिन माइनर इंजुरीज या इंजुरीज से ज्यादा यहाँ पर अभी कुछ पता नहीं चला है। लोग बाहर आकर जैसे लोगों ने देखा तो ये डब्बे तो ट्रैक पर से उतर गए थे लेकिन सामने का ट्रैक नजर ही नहीं आ रहा था। इतनी बारिश थी और इतना पानी भर गया था कि ये ट्रैक पानी के नीचे चले गया है या वॉश आउट हो गया है, बह गया है, ये पता नहीं चल रहा था। जो लोग हैं वो माइनर इंजुरीज के साथ थे लेकिन पीछे से डिब्बों से भी लोगों को उतारा जा रहा है, ट्रेन को खाली किया जा रहा है। जो अधिकारीगण वहां पर पहुंचे हुए हैं रेलवे के, वो ट्रेन को इवैक्यूएट करने में लगे हुए हैं। ऐसी जगह पर ये हुआ है कि जहां पर फोन का नेटवर्क तो था लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा था, इसलिए कई लोगों से जो जानकारी सामने आ रही थी वो ये था कि लोग ये पहले तो ये देखना चाह रहे थे कि ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, हम कहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन इंटरनेट ना चलने की वजह से लोगों का GPS नहीं चल रहा था, ये पता नहीं चल रहा था कि वो लोग ये हादसा कहाँ पर हुआ है। तो कई तरीके की मुश्किलें वहां पर लोगों के सामने थी लेकिन शायद अभी तक जो कोई फेटल एक्सीडेंट वहां पर नहीं है, ये शायद इसमें की सबसे अच्छी खबर है।
जी सरिता, आप और जानकारी जुटाइए, और जानकारी लेकर सरिता फिर से हमारे साथ जुड़ेंगी। और सरिता, जिस तरह से बता रही है कि वहाँ पर जो लोग थे उनको पता नहीं चल पा रहा था शुरुआत में कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर उनकी ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतरे हैं, क्योंकि सुबह का हादसा था, सुबह 6:40 का, लोग सो रहे थे। और आपको ये भी बता दें कि अभी भी यहाँ पर बारिश हो रही है, कल्याण के पास ये हादसा हुआ है, एक और ट्रेन हादसा, पटरी से उतर गई है चार बोगिया नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस की। और इससे पहले यूपी के दो हादसे हमने देखे, औरैया में हादसा हुआ, मुजफ्फरनगर के खतौली में हादसा हुआ, अब महाराष्ट्र में भी पटरी से उतरी है दुरंतो एक्सप्रेस, चार बोगिया पटरी से उतर गई और बड़ी वजह बारिश बताया जा रहा है, ट्रैक आगे का नजर नहीं आ रहा। इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे